पार्टी की जनसभा होगी। हावड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हावड़ा में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में सीएम योगी की ये जनसभा होने जा रही है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो स्टार प्रचारकों में शामिल है और अब पश्चिम बंगाल में भी लगातार मुख्यमंत्री जनसभाएं कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे कर रहे हैं और वहां चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो एक ऐसा चेहरा है भाजपा की का जिनकी डिमांड हर एक प्रदेश में की जाती है जहां जहां भी चुनाव होते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री अब अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रहे हैं ताकि जहरीली शराब मौत का कारण ना बने, लेकिन प्रतापगढ़ में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों के बाद अब पुलिस भी एक्शन में आ गई है। कुंडा सर्किल के सभी थाना क्षेत्रों हथिगवा, कुंडा और मानिकपुर इलाके में ताबड़तोड़ दबिश देकर शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री हथिगवा के मोहितीपुर गांव के एक मकान से संचालित की जा रही थी, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में अल्कोहल, ढक्कन, खाली बोतल, पंच मशीन और बारकोड समेत 211 पेटी अवैध शराब भी बरामद करते हुए 4 महिला, 3 पुरुष समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये देखिए, प्रतापगढ़ में ये लगातार शिकायत मिल रही थी कि यहाँ कुछ गैंग्स काम कर रहे हैं जो अवैध शराब का काम कर रहे हैं। इस बात को लेकर के हमारी प्रतापगढ़ की पुलिस एक्साइज टीम और हमारी जो रेंज और जोन की स्पेशल टीमें थीं वो काम कर रही थी, और मुझे बताते हुए आपको बहुत ही खुशी हो रही है कि सारे टीमों के संयुक्त प्रयास से एक्साइज की, पुलिस की टीमों ने बहुत अच्छा गैंग वर्कआउट किया है और उसमें आज जो रिकवरीज हैं वो इतनी ज़्यादा हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते थे। देखिए, जहरीली शराब किस तरीके से मौत बांटती है उसके समय समय पर खबरें हमने देखी हैं और अब इसको लेकर लगातार आबकारी विभाग भी एक्शन में है। प्रतापगढ़ की अगर बात कर लें तो यहाँ लगातार अवैध शराब की वजह से मौतें हो रही हैं, जिस पर अब पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा पुलिस ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल निपटाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 254 अपराधियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, जिसके तहत इन पकड़े गए 254 अपराधियों में से अवैध शराब माफिया, अवैध असलाहा रखने वाले कई मामलों में वांछित अपराधियों पर कार्रवाई की गई। देखिए, पुलिस ने कई अपराधियों को जेल भेजा है। आप देखिए, 24 घंटे में 254 अपराधियों पर कार्रवाई की गई है। पंचायत चुनाव से पहले ये बड़ी कार्रवाई है पुलिस की। पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, 24 घंटे में 254 अपराधियों पर यह कार्रवाई की गई है और उन्हें पकड़कर जेल में डाला गया है ताकि पंचायत चुनाव के दौरान जो माहौल है वो ना बिगड़े। और देखिए, बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। प्रयागराज के नवाबगंज इलाके के शाहपुर गांव में शराब पीने के बाद अचानक कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें से अब 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि जिन लोगों ने शराब पी थी वो जहरीली और मिलावटी थी। शराब में कई तरह के केमिकल और दूसरे जहरीले पदार्थ मिले होने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई। जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें से पुलिस ने 2 का अंतिम संस्कार करा दिया है, जबकि 1 के शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। नगरी प्रयागराज में जहरीली शराब का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ शराब पीने के बाद मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, थमने का नाम नहीं हो रहा है। और अगर संघ प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के नवाबगंज इलाके में कल 3 लोगों की मौत हुई है। तीनों लोगों ने पहले शराब पी थी, शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद जब तक अस्पताल ले जाया जाता एक एक कर तीनों लोगों की मौत हो गई है। तीनों लोग पिछले काफ़ी अरसे से जो है शराब पीते थे, शराब के आदि थे और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये शराब बाहर कहीं से लाई गई थी, गाँव के ठेके की दुकान पर नहीं
खरीदी गई थी और तीन मौतों के बाद से गांव में मातम का माहौल है, हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जो सरकारी अमला है वो लगातार सफाई दे रहा है, मामले की लीपापोती करने में लगा हुआ है। सरकारी अमले का दावा है कि इन लोगों की मौत जहरीली शराब से नहीं हुई है बल्कि अलग अलग बीमारी की वजह से हुई है। हालांकि एक ही दिन में एक ही साथ तीन लोगों की मौत कैसे हुई और उसके बाद शराब पीने के बाद इनकी हालत अचानक क्यों बिगड़ी, इसका सरकारी अमले के पास कोई जवाब नहीं है। वैसे इस तरह के ज़्यादातर मामलों में सरकारी अमला हमेशा यही रटा रटाया जवाब देता है। इनमें से दो लोगों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है जबकि एक शव को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया है, आज शाम तक पोस्टमार्टम होने की उम्मीद है। लेकिन उसमें भी क्या रिपोर्ट आएगी क्योंकि सरकारी अमले की निगरानी में ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो लगातार इस गांव में, शहाबपुर गांव है, यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी गंगापार समेत तमाम अधिकारी लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। गाँव के लोगों का साफ आरोप है कि यहाँ पर आसपास के इलाकों में जहरीली शराब का कहर लगातार बढ़ता जा रहा था, लगातार उसकी बिक्री हो रही थी। होली के त्यौहार और पंचायत चुनाव के मद्देनज़र ये मामला ज़्यादा गंभीर हो गया था और अगर शायद त्योहार के मौके पर ही सख्ती की गई होती, धरपकड़ की गई होती तो तीन लोगों को अपनी जान गंवानी ना पड़ती। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। प्रयागराज के साथ साथ बदायूं में भी जहरीली शराब ने मौत बांटी है। जी हां, जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या दो हो गई है। एक शख्स की आंखों की रोशनी चली गई है। मूसाझाक थाना क्षेत्र के तिगुलापुर गांव की घटना है। पंचायत चुनाव में पिलाने के लिए शराब लाई गई थी। तीन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो जहरीली शराब यानी अवैध शराब मौत का सामान साबित हो रही है और अब पंचायत चुनाव में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है और इसी पर अब सख्ती बरतने की तैयारी सरकार भी कर रही है। योगी सरकार में घूसखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए लेकिन विभागीय दीमक ही सरकार के सपने पर पानी फिर रही है। गोरखपुर के राप्ती नगर डिपो की बस से डीजल चोरी का वीडियो वायरल हुआ है। बस ड्राइवर खुद डीजल चोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गया है। इस मामले में बेशक अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है लेकिन इतना तय है कि खुद विभाग के कर्मचारी ही किरकिरी के साथ राजस्व को बट्टा लगा रहे हैं। जालौन में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। दोनों के बीच सड़क पर काफी देर तक पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। शराबी पति को समझाने और घर ले जाने के लिए पत्नी पहुंची थी, वहीं मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के राजमार्ग का है। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे दोनों लोग पति पत्नी हैं और पत्नी अपने शराबी पति को लेने के लिए गई थी लेकिन बीच सड़क पर ही दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। हालांकि इस बीच जो लोग थे वो तमाशबीन बने देखते रहे। और बात बरेली की, जहां कोरोना बहुत तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है। जी हां, पिछले साल के मुकाबले इस साल के आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले साल बरेली में अप्रैल की शुरुआत तक केवल 6 लोग ही कोरोना संक्रमित थे लेकिन इस बार कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बरेली में अभी तक 260 कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं बरेली के पूर्व आईजी और लखनऊ मुख्यालय पर चुनाव प्रकोष्ठ के प्रभारी आईपीएस राजेश पांडे, बेटा, पत्नी और उनका फॉलोअर भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर जिला अस्पताल की बात करें तो आप देख सकते हैं जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज आए हुए हैं। ये ओपीडी का नज़ारा है और ओपीडी में आप देखेंगे आपको हर तरफ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मरीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मरीज यहाँ पर आए हुए हैं दूर दराज से, पूरे ज़िले भर से, मंडल भर के जो मरीज हैं वो यहाँ पर जिला अस्पताल में आते हैं और लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। मरीज काफ़ी देर से लाइनों में लगे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। कुछ महिलाएँ यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जूही है, मैं बरेली से हूँ। सर देखिए, हम दिखाने आए हुए हैं, मैं तो अभी आई हूँ, काफ़ी टाइम से इतना लोग आए हुए हैं, वो परेशान है। डॉक्टर अपने टाइम पे नहीं आते हैं ड्यूटी पे और ये क्या यहाँ पर इंतज़ाम आता है? ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, सरकारी है, इससे लोगों को आराम मिलना चाहिए बल्कि लोग और परेशान हो रहे हैं, अपने घर छोड़ के अपने काम धंधा छोड़ के आए कि हम डॉक्टर, और यहाँ पर डॉक्टर का पता नहीं है। जी जी, और देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कोरोना है, दूरी बनाइए। देखिए आप, सरकारी अस्पताल में क्या दूरी बनी हुई है, बताइए ज़रा। देखा तो ये स्थिति है और देखिए आप चारों तरफ आपको इसी तरीके का, यहाँ पर लोग जो है वो परेशान हैं, डॉक्टर अपने केबिन में मौजूद नहीं है, मरीज चार दिन से जिले भर से चक्कर लगा रहे हैं, कोई 60 किलोमीटर दूर से है, कोई 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो कोई
आस पड़ोस के मोहल्लों से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इलाज जो है वो उसको नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक आंटी जी, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत तो शुगर की है, कई दफ़े आ चुके हैं, लौट लौट जाते हैं, दवाई मिलती नहीं। अच्छा। और ना डॉक्टर साहब मिलते हैं, चेक कई बार करा चुके हैं, इतने मोटे कागज हो गए हैं, और शुगर नीचे है, वो बैठे ही नहीं है। मैंने कि दोबारा चेक करा लें। सोमवती देवी, कहाँ से आती हूँ? हम आते हैं बरेली गुलाम नगर से। तो ये देखा, तमाम बुजुर्ग महिला है, तमाम पीड़ित लोग यहाँ पर आए हुए हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, उनको उम्मीद है कि सरकारी अस्पताल में उनको इलाज मिलेगा, सस्ता इलाज मिलेगा, सस्ती यहाँ पर दवाएं मिल सकेंगी और उनका सही से चेकअप हो सकेगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो यहाँ पर सरकारी व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा सी गई है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP गंगा, बरेली। काशी में कोरोना कहर ढा रहा है, रोजाना पॉजिटिव केस की संख्या 150 के आंकड़े को छू रही है। कोरोना का कमबैक प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। जिलाधिकारी ने सख्ती बरतने का आदेश दे दिया है। रात्रि 9 बजे से सुबह 9 बजे तक दुकान बंद रहेंगी। इसके साथ ही दिन के समय कोरोना गाइडलाइंस का पालन आवश्यक होगा। अगर पालन नहीं है तो सख्ती बढ़ती जाएगी। कोरोना बढ़ रहा है और इसके साथ ही आपके कुछ आदेश भी हैं। वो क्या आदेश हैं, कितनी सख्ती, कब से सख्ती? कोरोना के लेके जो राज्य सरकार के निर्देश हैं उसी को इन्फोर्स करने के लिए विशेष निर्देश एपिडेमिक एक्ट में दोबारा से कल जारी किए गए हैं। जो दुकानों के टाइमिंग हैं वो सख्ती से इन्फोर्स हों, भीड़ भाड़ वाली जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन ऑर्गेनाइजर कराएं, इसका इंश्योर हो। जो होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, मॉल, सिनेमा आदि जो हैं उनमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, उसके डिटेल निर्देश दिए गए हैं। स्टेट के अलग अलग जगहों में बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान सीज भी किए गए हैं। उसी तरीके से वाराणसी में भी बताया गया है कि अगर एक दो दिन में इसका असर देखने को नहीं मिला तो जिस भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में इसका वायलेशन हो रहा होगा उसको 3-3 दिन के लिए सीज कराया जाएगा। रात्रि का जो कर्फ्यू कह सकते हैं हम इसको, 9 बजे से सुबह 9 बजे तक, तो क्या ये सब्जी मंडियों पर भी ये आदेश लागू होगा, क्या मेडिकल शॉप पर भी लागू होगा, या क्या है इसके लिए? जो रात्रि का कर्फ्यू है वो कर्फ्यू नहीं है एग्जैक्टली, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने के टाइमिंग स्टेट गवर्नमेंट के थे वही इन्फोर्स किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो मंडी की एक्टिविटी अर्ली मॉर्निंग होती है वो, और जो इसेंशियल दवाइयों की जो दुकानें होती हैं वो इसके प्रतिबंध से बाहर होती हैं। 2 दिनों का समय है और अगर 2 दिनों में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई और भी कड़ी की जाएगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। तो देखिए, कोरोना बढ़ रहा है लेकिन लोग अभी बेखौफ है। लखीमपुर खीरी से खबर सामने आई है जहां लोगों को कोरोना का कतई खौफ नहीं है। सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ है। गोला सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों के चेहरे पर मास्क गायब नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है और ये भयावह स्थिति की तरफ देश को ले जा सकता है। किस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और गर्मी के प्रकोप बढ़ने से फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। पारा बढ़ने के साथ ही खेतों में आग की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर हाथरस की है जहां खेत में हाई टेंशन तार गिरने से 4 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसे गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। पीड़ित किसान का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही से ऐसा हुआ। तो दूसरी तस्वीर जो है वो देखिए हाथरस की है, पहली तस्वीर आपने सीतापुर की देखी और जो तीसरी तस्वीर है वो शाहजहांपुर की है जहां पर फसल आपको जलती हुई नजर आ रही होगी। किसानों की जो मेहनत है वो किस तरीके से आग में धू धू कर जल रही है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कई बीघा फसल जलकर राख हो रही है। तो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे किसानों को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि फसलों में आग लगने की खबरें अब आम हो गई हैं। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, सीतापुर, हाथरस और शाहजहांपुर।